हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपके घर में टुल्लू पंप यदि लगा हुआ है, ये वो खराब हो जाता है, यानी कि चलता तो है लेकिन पानी नहीं देता है, पानी नहीं उठा पाता है, तो उसमें क्या कारण हो सकते हैं। तो उसके लिए एक ऐसा कारण बताऊंगा जिसकी तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, और वो सारे पार्ट सही होने के बावजूद भी आप परेशान हो जाते हो कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। यानी कि मोटर में सबसे पहले आप क्या करते हो, उसमें पानी डालते हो, पानी डालकर देखते हो कि पानी डालने से ये पानी उठा लेगा, अंदर से सूख गया होगा। तो उसमें भी पानी डालने के बावजूद भी आपका जो टुल्लू पंप है वो काम नहीं करता है, पानी नहीं देता है। आपके घर में यदि टैंक पर लगा है, टैंक बना है, उसमें से जो इनपुट पाइप आता है मोटर के अंदर पानी खींचने के लिए, तो उसको आपको चेक करना है, वो उसमें कभी भी कोई भी लीकेज होगा। यदि कोई भी सॉकेट एल्बो वगैरह कहीं से भी बिल्कुल भी लूज सा होगा, यानी लीकेज होगा, तो ये आपका टुल्लू पंप बिल्कुल भी पानी नहीं उठाएगा। तो उसको आपको सबसे पहले चेक करना है, कोई भी लूज पॉइंट हो उसको चेंज कर देना है, उसके बाद में फिर से आपको चलाकर देखना है। उसके बाद में देखिए, वीडियो साइड में चला देता हूँ और उसमें दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम है। तो मेन प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिलती है कि जो इनपुट का पाइप होता है, यानी मोटर के अंदर, टैंक से मोटर के अंदर आता है पानी खींचने के लिए पाइप जो आता है, उसमें एक वाल लगा रहता है। यानी कि मोटर में, टुल्लू पंप में जो इनपुट का सेक्शन होता है उसमें एक वाल लगा रहता है जिसे सील वाल बोला जाता है। तो उसको क्या करना है, चेक करना है, उसको खोलना है। वो या तो कहीं से लीकेज होगा यानी कि कटा फटा होगा, तो भी आपका टुल्लू पंप है पानी नहीं उठाएगा। और सबसे मोटी प्रॉब्लम जो आती है वो पकड़ में नहीं आती है, वो है इसके अंदर कचरा भर जाता है। कचरा भरने के बाद में आप मोटर जो है पानी खींचेगा कहाँ से, यानी कि वो कचरा इतना अधिक फैल जाता है कि पानी आने के लिए जगह ही नहीं बचती है, तो पानी आएगा कहाँ से। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो कि आपको ढूंढने से भी नहीं मिलती है, आपको वो सेक्शन जो है इनपुट का वो खोलना ही पड़ता है, खोलने के बाद ही आपको पता चलता है। तो देखिए यही प्रॉब्लम हमारे साथ आई थी, जिसमें सब कुछ सही होने के बावजूद भी मोटर भी चलती है अच्छे से, फिर भी पानी नहीं उठा रही थी। तो इसमें यह दिक्कत आती है, ये दिक्कत आपके साथ भी हो सकती है, तो इस पार्ट को जरूर से चेक कर लें, ये आप घर पर भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कॉमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दें, क्योंकि हम इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।